स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। आज हम बात करेंगे कथन और निष्कर्ष के उन क्वेश्चंस की जो SSC 2020 में CGL में आए थे। उन क्वेश्चंस को सोल्व करके मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे हम कथन और निष्कर्ष को सोल्व करते हैं, एक्यूरेट आंसर लाते हैं और कैसे उसमें दो टेबल्स जो मैंने बनाए उनका यूज करते हैं। उनका यूज करने के बाद आपका कोई भी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन गलत नहीं आएगा, ये मेरा आपको वादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जिसमें हमें दिया है सभी कुत्ते शेर है। ये दो कथन हमें दिए हैं, कोई हाथी शेर नहीं है, ये दो कथन है और उनके आधार पर तीन निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। हमें यह पता करना है इन तीनों में से कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। सबसे पहले जब ऐसा कोई बात कहता है सभी, जहां सभी आता है, सभी वाले में जैसे सभी कुत्ते शेर हैं, इसका मतलब होता है ये होते हैं पूर्ण समाहित सकारात्मक। पूर्ण समाहित सकारात्मक का मतलब होता है कि ये सब इसके अंडर में आते हैं। जैसे सभी माँ औरत होती हैं, तो जो भी माँ बनेगी वो सब औरत होंगी, तो इस तरीके से। अब ये कहलाता है ए, जो जो टाइप आता रहेगा मैं आपको उसको बताता रहूंगा, उसको क्या कहते हैं, उसका यूज कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या होता है। कोई हाथी शेर नहीं है, इसमें भी पूरा का पूरा इसके अंदर है लेकिन नहीं के साथ। तो ऐसी बात को हम कहते हैं, ऐसे कथन को हम कहते हैं पूर्ण वियोजित नकारात्मक, मतलब पूरा का पूरा उसके अंदर नहीं आएगा, उसको ई लिखा जाता है। अब जो कथन और निष्कर्ष होते हैं उनको सोल्व करने का तरीका, पहले आपके पास दो कथन है, इस कथन को लेंगे, इसके बारे में देखेंगे इसके क्या क्या निष्कर्ष बन सकते हैं, इसको लेंगे इसके क्या क्या निष्कर्ष बन सकते हैं वो देखेंगे, और इन दोनों से मिक्स होके कौन सा निष्कर्ष बन सकता है फिर वो देखेंगे। ये तीन चीज हमें ध्यान में रखनी है और फिर हमारा आंसर एक्यूरेट आएगा। उससे पहले जब हमारे पास ये दो शब्द हैं, सभी कुत्ते शेर हैं, ये पहले वाला और लास्ट वाला, इसके लास्ट वाला जो शब्द होता है वो सेकेंड वाले कथन के पहले वाले इस शब्द के सेम होना चाहिए। ये दोनों सेम होंगे तो ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। अब हमारे पास यहां जो है ये दोनों सेम नहीं है, अब इन दोनों को सेम करना है तो आपको इनके टेबल पे जाना पड़ेगा, उसके अनुसार ही आप इनको बदल सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे बदला, जैसे यहां हमने कोई हाथी शेर नहीं है ये था तो मैंने इसको बदल दिया, कोई शेर हाथी नहीं है, तो अब इसमें लास्ट में शेर है और इसमें पहले शेर है तो दोनों समान हो गए, अब हम इनको सोल्व कर सकते हैं। इसको हटा के हमने अब ये वाला कथन बना दिया है, लेकिन ये कैसे बनाया है तो इस टेबल पे आ जाइए। ये जो हमने बताया था ये था ई, ई को परिवर्तित कर सकते हैं ई डैश, ओ और ओ डैश। अब ई डैश क्या होता है, ई डैश होता है कि अगर यहां लिखा है कोई हाथी शेर नहीं है तो इसमें इसको इधर ला सकते हैं और इसको इधर ले जा सकते हैं, तो इसको कहते हैं इसका परिवर्तित रूप ई डैश। कोई हाथी शेर नहीं है तो हम इसको कह सकते हैं कोई शेर हाथी नहीं है, तो इसको मैंने परिवर्तित कर दिया है। ये इसका निष्कर्ष भी होता है और इसको ऐसे हम परिवर्तित भी कर सकते हैं अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो। आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। अब हम ये सेम होने के बाद जाएंगे फर्स्ट वाले जो आपका कथन है उसके ऊपर, वो है सभी कुत्ते शेर है, ए टाइप है, तो हम वापस जाएंगे सिंगल वाले पे कि ए को हम आई और आई डैश में परिवर्तित कर सकते हैं। आई क्या होता है और आई डैश क्या होता है, अगर सभी यहां लिखा है सभी कुत्ते तो आई का मतलब होता है कुछ, कुछ के साथ उस सेंटेंस को बना देना उसको कहते हैं आई, तो ए को आई में परिवर्तित कर सकते हैं, तो हम यहां कह सकते हैं कुछ कुत्ते शेर हैं, ये इसका परिवर्तित रूप हो जाएगा, कुछ कुत्ते शेर हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर आई डैश क्या होता है, उस कुछ के साथ जो करता था उसको क्रम और क्रम था करता बना देंगे, जैसे यहां कुछ कुत्ते शेर हैं तो कुछ शेर कुत्ते हैं भी बोला जा सकता है, उसको आई डैश कहेंगे। तो ए के दो आंसर हो सकते हैं, कुछ कुत्ते शेर हैं, जो हमारा पहला बनेगा कुछ कुत्ते शेर हैं उसको हम निष्कर्ष में ढूंढेंगे, कुछ कुत्ते शेर हैं ये हमारा ऑप्शन में निष्कर्ष में नहीं है। फिर कुछ शेर कुत्ते हैं वो भी हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो इस अकेले से
इस अकेले से दो निष्कर्ष निकल सकते थे, दोनों ही निष्कर्ष ऑप्शन में नहीं है तो उनको नहीं लेंगे। फिर ये हमारे पास है कोई शेर हाथी नहीं है, ये है ई, ई को ई डैश में बदल सकते हैं, वो तो हम बदल चुके हैं और वो वाला हमारा ऑप्शन में नहीं है निष्कर्ष में। तो अब दूसरी बात देखेंगे, ओ में बदल सकते हैं, ओ का मतलब होता है कोई शेर है, तो हम लिखेंगे कुछ शेर हाथी नहीं है, कुछ शेर हाथी नहीं है वो ऑप्शन में नहीं है। और दूसरा ओ डैश का मतलब है अब इसको लेंगे, कुछ हाथी शेर नहीं है तो वो भी यहां पर नहीं है। तो इन दोनों से अलग अलग जो निष्कर्ष बन सकते थे वो कोई भी ऑप्शन में नहीं है। अब हम चलेंगे दोनों से मिलके क्या क्या ऑप्शन बन सकते हैं। ये है ई और ऊपर था ए, ए और ई से, ए और ई से हमारी ये बन सकते हैं ई ई डैश आई आई डैश, ई ई डैश। अब ई का मतलब होगा यहां सभी कुत्ते हाथी नहीं है, तो सभी कुत्ते कह सकता है, कोई कुत्ता कह सकता है, मतलब सभी और कोई में एक ही बात होती है। जैसे सभी कुत्ते शेर हैं तो सब कोई कुत्ते शेर है, मतलब सब कुछ उसमें कोई के साथ ले सकते हैं। तो हम कहेंगे सभी कुत्ते हाथी नहीं है, या फिर कहेंगे कोई कुत्ता हाथी नहीं है, तो ये वाला हमारा निष्कर्ष डेफिनेटली इसका आंसर होगा। बाकी दो और आंसर हो सकते हैं, उनको भी हम देखेंगे, वो है ई डैश आई और आई डैश। ई डैश का मतलब होगा कोई हाथी कुत्ता नहीं है, वो ऑप्शन में नहीं है। फिर कुछ कुत्ते हाथी नहीं है, क्योंकि ये है आई और आई डैश, तो इनका आई बनेगा, कोई कुत्ता हाथी नहीं है और कोई हाथी कुत्ता नहीं है, वो दोनों भी ऑप्शन में नहीं है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो हमारा इसमें से आंसर हुआ, तो वो हुआ आई। तो ये फर्स्ट वाला आंसर हुआ हमारा। तो अब हमारे पास आई और आई डैश में होता था कि कोई कुत्ता हाथी है नहीं, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को आंसर फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी पुरस्कार पदक हैं, कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र हैं। अब आप यहां देखें, इसमें लास्ट में पदक है, यहां पुरस्कार है। अगर मैं इसको पहला वाला सेंटेंस बना दूं तो इसमें हम चेंज कर सकते हैं, तो पहले इसमें चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं इसको ऊपर भी ले जाऊं तो भी ये दोनों पहले ही हैं, तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। और हम चेंज कैसे करेंगे कि हम ले लेंगे कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार हैं, इसको चेंज किया, कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र हैं, तो इसको चेंज कर दिया, आई था ये आई डैश बना दिया, आई डैश हो गया कि कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार हैं, आई को आई डैश बनाया जा सकता है, ये यहां से देख सकते हैं। तो आई को आई डैश बनाया कि कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार है, और इसको पहला बना लिया, इसको काट के हमने ये बना चुके हैं। तो कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार है और सभी पुरस्कार पदक हैं, अभी हमारे पास बन गए। ये हमारे पास एक तरीके से आई का काम करेगा, और सभी पुरस्कार पदक है ये ए का काम करेगा। आई का आई डैश बनाया जा सकता है, कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार है, तो कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र है वो यहां पर नहीं दिया है। फिर ए, ए के होता है आई और आई डैश, दो आंसर आ सकते हैं, ए के जो है दो आंसर आ सकते हैं, एक आई और एक आई डैश। आई का मतलब होता है कुछ, तो कुछ पुरस्कार पदक है ऐसा बोल सकते हैं, कुछ पुरस्कार पदक है और वो ऑप्शन में नहीं है, तीनों निष्कर्ष में नहीं है। फिर आई डैश, आई डैश का मतलब होगा ये पहले बोलेंगे, कुछ आई का मतलब कुछ और डैश का मतलब ये पहले बोला जाएगा, कुछ पदक पुरस्कार है, तो कुछ पदक पुरस्कार है ये वाला हमारा ऑप्शन निष्कर्ष में से मिल गया। ये हमारा आ गया, इंडिविजुअल से सिर्फ एक मिला है, अकेले अकेले से हमें सिर्फ एक मिला है। अब दोनों से क्या होगा, आई और ए एक साथ जब होंगे, आई और ए एक साथ होंगे तो आई और आई डैश बनेगा, आई और आई डैश का मतलब है कुछ प्रमाण पत्र पदक है, कुछ प्रमाण पत्र पदक है और कुछ पदक प्रमाण पत्र है, कुछ पदक प्रमाण पत्र है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे कुछ प्रमाण पत्र, जो ये कुछ प्रमाण पत्र है वो पुरस्कार है, क्योंकि ये तो हम यहां से बना ही चुके हैं ऑलरेडी, कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार है, ये हमें इससे मिल चुका है फर्स्ट वाले से, आई से आई डैश बनाया था, तो तीनों हमें यहां से मिल गए, तो इसके आंसर में तीनों निष्कर्ष हमारे बन जाएंगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों निष्कर्ष इसके अंदर आएंगे।
कुछ कारें रॉकेट है, सभी रॉकेट इंजन है। आप ये देखें, इसमें लास्ट वाला और फर्स्ट वाला सेम है, तो कुछ चेंज करने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ चेंज करने की। तो हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे ये क्या है, ये है आई और ये है ए। आई का हम बना सकते हैं आई डैश, आई डैश होता है कुछ कारें रॉकेट है, तो कुछ रॉकेट कारें हैं, तो वो ऑप्शन में नहीं है। ए से हम बना सकते हैं आई और आई डैश। आई क्या है, सभी रॉकेट इंजन है, तो कुछ रॉकेट इंजन है, कुछ रॉकेट इंजन है, ऑप्शन में नहीं है। लेकिन आई डैश जब बनेगा तो कुछ इंजन रॉकेट है वो बन जाएगा, तो कुछ इंजन रॉकेट है ये बन गया। फिर हमारे पास आई और ए से क्या बनेगा वो देखेंगे। आई और ए से बनेगा आई, आई का मतलब इसकी कुछ कारें और इसमें से इंजन, तो कुछ कारें इंजन है, या फिर कुछ इंजन जो आई डैश बनेगा वो पहले इंजन बोला जाएगा, कुछ इंजन कारें हैं, तो कुछ इंजन कारें ये रहा। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन हमारे निष्कर्ष के सही हैं। तो ये हमारा आंसर होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों हमारे निष्कर्ष हैं। सभी कारें ट्रक हैं, कुछ बसें कारें हैं। अब यहां लास्ट वाला और फर्स्ट वाला सेम नहीं है, तो इनको चेंज करेंगे। क्या चेंज करना है अब हम देखें। अगर इसमें देखें ये लास्ट है और ये फर्स्ट है, तो इसको पहला मान ले और इसको दूसरा मान ले, इनको ऊपर नीचे चेंज कर दें, तो हमें बाकी कुछ चेंज करना नहीं पड़ेगा, बस इनके स्थान को चेंज कर देते हैं। तो ये कुछ बसें कारें हैं, मैं ऊपर ले आया, कुछ बसें कारें हैं, ये ऊपर ले आए, तो ये हट जाएगा। कुछ बसें कारें हैं और सभी कारें ट्रक है, ये आई का एक रूप है और ये ए का एक रूप है। इसके दो आंसर होंगे, एक आई और एक आई डैश, और इसका एक ही आंसर होगा जो होगा आई डैश, और दोनों से मिलके जो होगा वो बाद में देखेंगे। पहले आई का आई डैश बनाते हैं। कुछ बसें कारें हैं, तो कुछ कारें बसें हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। सभी कारें ट्रक हैं, तो कुछ कारें ट्रक हैं बन जाएगा, कुछ कारें ट्रक हैं वो ऑप्शन में नहीं है। कुछ ट्रक कारें हैं वो भी ऑप्शन में नहीं है। तो इन दोनों से इंडिविजुअली हमें कोई आंसर नहीं मिला है। अब हम चलते हैं आई और ए के कॉम्बिनेशन पे। आई और ए के कॉम्बिनेशन में होता है आई और आई डैश। आई का मतलब अब इधर से कुछ लेंगे और इधर से ये लेंगे लास्ट, तो यहां से हो जाएगा कुछ बसें ट्रक हैं, कुछ बसें ट्रक हैं, ये सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि इंडिविजुअल से हमें नहीं मिला, यहां सभी कारें ट्रक हैं, तो कुछ ट्रक कारें आना चाहिए था वो नहीं है, कुछ कारें ट्रक हैं वो भी नहीं है। लेकिन जब हम इन दोनों से कंबाइन करके हमने देखा, तब हमें मिला कि कुछ बसें ट्रक हैं, तो कुछ बसें ट्रक हैं और कुछ ट्रक बसें हैं वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम यहां सेकंड ऑप्शन लेंगे। यहां सभी ट्रक बसें हैं जो कि हम नहीं ले सकते, हमें लेना था कुछ ट्रक बसें हैं, तो यहां से सिर्फ सेकंड ऑप्शन हमें मिला, तो सेकंड ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। सभी गायक नृतक हैं, कोई नृतक प्लंबर नहीं है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर में लिख सकते हैं कि इनके आंसर क्या होंगे। इसके पहले सिंगल वाले में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं और डबल वाले से क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, दोनों का टेबल मैंने आप लोगों को दिया है, तो इन दोनों का यूज करके आप इसका आंसर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से निष्कर्ष हमारा आंसर इसका आएगा। आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इन दोनों टेबल को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि अगर इनका यूज करेंगे ऐसे करके कि पहले वाले का इंडिविजुअल, दूसरा इंडिविजुअल और फिर दोनों का मिक्स करके जो बनते हैं सारे निष्कर्ष अगर आप निकालेंगे, तो हमेशा आपका करेक्ट आंसर आएगा, कभी कथन निष्कर्ष गलत नहीं होगा आपका पूरी लाइफ, ये मेरा आपको वादा है। आज आपने जो ये सीखा है, ये वो चीज है जिसके लिए बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। अगर आप लोगों को ये बहुत बढ़िया लगता है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, तो उन सबको ये फॉरवर्ड कर दीजिए जिनको इसकी जरूरत है, जिनको कभी ये कथन निष्कर्ष समझ में नहीं आया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स और न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।